विरासत वाले। सभापति महोदय, तोड़कर सारे बंधन, मैं करता हूं भारत के संविधान को वंदन। नरेंद्र मोदी का मैं करता हूं अभिनंदन। नरेंद्र मोदी का करता हूं मैं अभिनंदन, क्योंकि लंदन में जाकर उन्होंने किया है बाबा साहब को वंदन। सर, आपने मुझे बोलने का वक्त दिया है, अब मैं क्या क्या बोलूं? सर, आपने मुझे बोलने का वक्त दिया है, अब मैं क्या क्या बोलूं? 60 साल के कांग्रेस के कारनामों का पोल खोलूं? खोलू कि मत खोलू? बोलू कि मत बोलू? यूपीए सरकार ने ही की थी महंगी की किया था महंगा सब्जी और आलू। यूपीए सरकार ने ही महंगा किया था सब्जी और आलू, लेकिन बिहार में कैसे चुनकर आए नीतीश और लालू? लेकिन बिहार में कैसे सत्ता में आ गए नीतीश और लालू? ये दोनों में कौन है ज्यादा चालू? साइलेंस प्लीज। सुनो, अब देखते हैं सर, अब देखते हैं सर, सर सर देखिए, प्लीज यूज पार्लियामेंट्री टर्म्स। हाँ ठीक है ठीक है। एनीथिंग अनपार्लियामेंट्री इज डिलीटेड फ्रॉम रिकॉर्ड। बैठे बैठो बैठो, आप देखते हैं, आप देखते हैं बिहार में सस्ता होता है क्या आलू? ठीक है तो ठीक है, मतलब हम सब हमारे मित्र ही है। आलू इज द पार्लियामेंट्री। आप बोलते हैं कि भाई इनको, इन्होंने जल्दी जाना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी जल्दी जाएंगे नहीं जब तक मैं इनके साथ हूँ। थैंक यू। और मैं जब आपके साथ भी था, जब मैं आपके साथ भी था तब आप भी सत्ता में थे, और इसीलिए मैं इतना ही बताना चाहता हूं चेयरमैन सर, यहां मतलब इस ये जो हाउस है इसमें इसी तरह का जो विवाद नहीं होना चाहिए। भारत के लोकतंत्र में विरोधी पक्ष भी होना चाहिए, लेकिन उधर थोड़े वो स्ट्रांग है, 2 साल के बाद हम स्ट्रांग हो जाएंगे। उधर तो नहीं जाएंगे, आप उधर तो नहीं जाएंगे ना? नहीं उधर नहीं जाएंगे, लेकिन आप कुछ देखेगा नहीं, मैं देखता हूँ। थैंक यू। लेकिन अभी हमारी सरकार भी बहुत अच्छी है, तुम कितनी भी कोशिश करो, लेकिन अभी तुमको 15-20 साल कोई सत्ता मिलने वाली तो नहीं है, मतलब इसीलिए कोशिश करो। नहीं बिहार में मिल गए, अच्छी बात है। थैंक यू। नहीं नहीं, बिहार के लोगों का हम अभिनंदन करते हैं, उन्होंने लालू जी को, नीतीश को, और ये दोनों एक साथ आते नहीं थे तो तुम सत्ता में आते नहीं थे। आप दोनों एक साथ आए, लेकिन हाँ प्लीज प्लीज त्यागी जी, मैंने मुझे मंत्री कब बनाएगा? आप समाप्त कीजिए अब। तो ठीक है, मंत्री पद की बात नहीं है, तो इसीलिए थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि सर, मतलब मेरे बाबा साहब का संविधान ना होता तो मैं राज्यसभा में ना आता, मेरे बाबा साहब का संविधान ना होता तो मैं राज्यसभा में नहीं आता, मैं यहाँ नहीं आता तो संविधान पर आज मैं कैसा बोल देता। मतलब ये संविधान इतना बढ़िया है, और आप जैसे चेयरमैन है, हमें यहाँ माइनॉरिटी दलित और जो ओबीसी और हिंदू मुसलमान इसी तरह का विवाद नहीं करना है। मुसलमान भी अपने हैं, हिंदू भी अपने हैं, सब अपने हैं, लेकिन वो अपने नहीं है, और जब तक वो अपने नहीं होते हैं तब तक एक भी बिल पास करना मुश्किल हो गया। और इसलिए आप लोगों ने और हम लोगों ने, जब ये लोग अपोजिशन में थे, मैं आपके साथ था, तो बिल पास करने के लिए लोग आपको सपोर्ट करते थे। Why didn't I know from the fairy star?